नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट फार्मा 20 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं रविंदर सिंह, आप देख रहे हैं बेस्ट फार्मा 20 यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों इस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में देखे बेल आइकन को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करें, जब भी हम वीडियो डालें आप देख पाएंगे सबसे पहले। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब मुर्गियाँ अपने अंडे कम देना लगती है तो उसके लिए क्या करना होगा अपन को। जैसे मुर्गियाँ होती है इसमें काफ़ी नस्लें होती है, जो ज़्यादा अंडे देने वाली भी होती है, कुछ नस्लें होती है जो कम अंडे देने वाली भी होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान करना है कि अपनी मुर्गियाँ है कौन सी, किस नस्ल की है, किस प्रजाति की है, जो ज़्यादा अंडे देने वाली है या कम अंडे देने वाली है। तो ज़्यादा अंडे देने वाली है तो आप, अगर आपको पता नहीं है तो हमारे वीडियो में बना के डाल रखा है, चैनल में मिल जाएगा आपको, तो उसमें आप जाके देख लीजिए। जो ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं वो उसमें बताइए। तो अगर उसमें से आपकी कुछ मुर्गियाँ हैं तो अगर वो अंडे नहीं दे रही है तो उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आपकी मुर्गियाँ जो कम अंडे देने वाली है तो उनका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपके पास ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं और अंडे नहीं दे रही है तो इसमें भी काफ़ी कारण हो सकते हैं। अगर आपकी मुर्गी बीमार है तब भी वो अंडे कम देने लग जाएगी। अगर आपकी मुर्गियाँ, जैसे कि आप कैल्शियम की कमी हो जाती है तब भी मुर्गियाँ अंडे कम देती है। अगर मुर्गियाँ जो उसमें आप फीड देते हो, फीड में भी अगर कुछ कम फीड मिलती है उनको, जितनी मुर्गी को मिलनी चाहिए उतनी फीड नहीं मिलती है, तब भी मुर्गियाँ अंडे कम देना स्टार्ट कर देती है। और ऐसे ही करके काफ़ी इसमें रहता है। तो इसमें आज ज़्यादातर जैसे कि मुर्गियाँ आप फार्म में रखते हैं तो फार्म में जो रोशनी नहीं रखते हैं, जो लोग छोटा फार्म बना लेते हैं उसमें रोशनी नहीं है, जैसे बल्ब वल्ब नहीं लगाते हैं, तो उसके वजह से भी मुर्गी अंडे कम देती है। तो इसमें मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, तो मुर्गी को कितने घंटे और रोशनी चाहिए मैं आपको सारी चीज़ें एक डिटेल में वीडियो बना के उसमें बता दूंगा। तो सबसे जो आज इसमें बात करने वाले हैं तो वो क्या है कि ज़्यादातर कैल्शियम की कमी के कारण जो मुर्गियां अंडे नहीं देती है तो उसका आज इलाज मैं आपको बता दूंगा। घर पे आप आसानी से वो इलाज कर सकते हैं अपनी मुर्गियों का, ठीक है। तो जैसे कि आपकी मुर्गियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे कि कैल्शियम की कमी हो गई तो जो मुर्गियाँ अंडे देना कम कर देगी, और दूसरा कि जब अंडे देती है तो वो अंडे छोटे साइज़ में होंगे, कमज़ोर हो गए, वो जैसे ही अंडे देते ही फूट जाता है या आप अपना हाथ से उठाते हैं तो फूट जाता है। और उसके बाद में जैसे कि उसका खोल होता है अंडे का ऊपर, कभी कभार वो अंडे पे खोल भी नहीं होता, ऐसे कच्चा अंडा दे देती है। तो ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई दे तो मान लेना कि अपनी मुर्गी में कैल्शियम की कमी आ गई है। आपको मार्केट से चूना लाना है, जैसे चूना खाने वाला चूना आता है तो आप मार्केट में किसी को भी, जैसे कि कुछ अपने किराना की शॉप होती है उस पर, या पान वाला होता है जो पान में चूना लगाता है, तो वैसे चूना आपको चाहिए। अगर आपकी कहीं पर भी शॉप पर खाने का चूना आता है, वो एक ट्यूब वगैरह आती है वैसे मिल जाती है, तो वो आपको एक ट्यूब लानी है। और ट्यूब लेने के बाद में जो चूना होता है वो अपनी मुर्गी को देना है। किस तरीके से देना, जैसे कि आपके कितने बर्ड्स है उस हिसाब से आप 5 लीटर पानी ले लेना। आपको 5 लीटर पानी में 1 ग्राम चूना मिक्स करके अपनी मुर्गियों को पिलाना है। अगर आपकी मुर्गी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पानी पिलाते हो तो उस हिसाब से, जैसे 10 लीटर पानी देते हो तो उसमें 2 ग्राम कर लेना, इस हिसाब से आप डिवाइडेड करके अपने मुर्गियों को पानी में चूना मिक्स करके पिलाना है, ठीक है। तो ये चूना आपको रेगुलर पिलाने से आपकी मुर्गियाँ की जो कैल्शियम की कमी होती है वो पूरी हो जाती है, और अगर कैल्शियम की कमी के कारण वो मुर्गियाँ अंडे कम देती है तो वो अंडे देना भी स्टार्ट कर देती है अच्छी तरीके से। जैसे अगर आपकी जो मुर्गियाँ सही है, कैल्शियम की कमी भी नहीं है, उनको भी आप ये चूना का पानी पिलाओगे तो इससे कि आपकी मुर्गियों में अंडे देने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी मुर्गियों की अंडे देने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पे जाए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक कर लीजिए, जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको देख पाएंगे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, बाय बाय।